राजस्थान में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। इन चुनावों से पहले सियासी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से मुलाकात की। इस मुलाकात से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। कई लोग इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मतलब निकाल रहे हैं। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की राज्यपाल से मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में राजस्थान के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई है। राजस्थान में उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं। इसके साथ ही 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी भाजपा एक्शन मोड में है। सरकार के स्तर पर इन विधानसभा सीटों को जीतने के लिए जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर राजनीतिक नियुक्तियां भी दी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री 1-2 दिनों में दिल्ली भी जा सकते हैं। इस दौरे के दौरान सीएम की कई अहम मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होने की संभावना भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुशांत, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मुलाकात राज्यपाल से हुई है, ये मुलाकात बेहद चर्चा में है। जानकारी ये है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, वैसे तो इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात की है सीएम ने, और प्रदेश में जो आपदा प्रबंधन के कदम सरकार उठा रही है उसके बारे में ब्रीफ किया है। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कैसे काम किया जा रहा है, बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए कैसे सरकार जो है जमीनी तौर पर प्रयास कर रही है, ये सारी वो बातें जो एक तरीके से बताने वाली बातें हैं। लेकिन इस मुलाकात के अपने सियासी मायने भी हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और ये कयास लग रहे हैं कि क्या उपचुनाव से पहले कैबिनेट फेरबदल या विस्तार हो सकता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का जो इस्तीफा है उसको लेकर डिसीजन नहीं हो पाया है। अगर डिसीजन होता है तो क्या फिर रिशफल होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा, अब जो है सरकार के सामने 5 की बजाय 6 उपचुनाव की चुनौती है, और इस चुनौती से पार पाने के लिए क्या राजनीतिक नियुक्तियों का सरकार जो है वो सहारा लेगी, और राज्यपाल से मुलाकात के पीछे एक मकसद इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि राजस्थान में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा सरकार खोले। आमतौर पे हमने देखा है कि अशोक गहलोत के समय ये डिसीजन आखिरी साल में होता था, चौथे पांचवें साल में। तो क्या सरकार अपना ट्रेंड बदलेगी, भाजपा सरकार राजस्थान का ट्रेंड बदलेगी और इस बार पहले साल ही पिटारा खोल दिया जाए, खासतौर पे उपचुनाव वाले जो क्षेत्र में बड़े नेता हैं जो शायद चुनाव नहीं लड़ पाए या उस तरीके से मुख्य धारा में जिम्मेदारी उनके पास नहीं है और बहुत ज्यादा प्रभावी हैं वो ग्राउंड पर, उनको सरकार मौका दे सकती है। मुख्यमंत्री 1-2 दिनों में दिल्ली जाने वाले हैं और उसके बाद फिर जो है अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन राज्यपाल और सीएम के बीच जो मुलाकात हुई है वो बहुत एक तरीके से पर्सनल मुलाकात होती है राजभवन में, और उसमें क्या ब्रीफ एक दूसरे को किया जाता है, क्या बातचीत होती है, ये एक अनुमान की बात है, एक कयास की बात है। और खासतौर पर पॉलिटिकल जो गैलरी है उसमें जो चर्चाएं होती हैं उनके हिसाब से आकलन किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर अपना अपना अंदेशा, अपना अपना आकलन है जो निकट भविष्य में संभव हो सकता है। बिल्कुल सुशांत, सही कहा आपने। जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है तब से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।